हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग पावर ग्रिड भी बोलते हैं, ये एक महारत्ना कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। अभी इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म आया हुआ है जो कि एक साल के ड्यूरेशन के लिए है। यहाँ पर जो ये आपको नोटिस दिख रहा है वो तो नॉर्थ रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब नदर्न रीजन के लिए है, और इसमें अलग अलग रीज़न के लिए जो है वो नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे हम आपको नदर्न रीज़न और इसमें कौन कौन से और कितने कितने वैकेंसीज़ हैं वो आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो है इसका ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन का वो 20/8/2024 से, और क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन का वो 9/8/2024 तक है। यानी कि 20 से लेकर 8 सितंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इसका जो वेबसाइट दिया हुआ है उस पर जाकर। इसमें जो है यहाँ पे नदर्न रीजन का हम बता रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले एक स्टेट है दिल्ली, तो दिल्ली में जो है वो भी रीजन नॉर्थ रीजन वन में ही आता है। तो इसमें अलग अलग वैकेंसीज जो है अलग अलग ट्रेड के लिए दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पे स्टेट हरियाणा रीजन नदर्न रीजन वन में ही ये भी फॉल करता है। यहाँ भी अलग अलग ट्रेड के लिए जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेड, और साथ में कितना कितना वैकेंसीज है, और फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश जो कि नॉर्थ रीजन नदर्न रीजन वन में फॉल करता है, तो इसमें भी कौन कौन से वैकेंसीज़ हैं, मतलब कौन कौन से ट्रेड हैं और साथ ही साथ कितना वैकेंसी है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। अगला है नदर्न रीजन, उसके बाद है नदर्न रीजन में ही ये राजस्थान का भी एक आता है, इसमें भी टोटल वैकेंसीज़ अप्रेंटिस का ट्रेड ये सब दिया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, मतलब आपको जो है किसी एक रीजन से और किसी एक स्टेट से ही फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद ये उत्तराखंड जो कि नदर्न रीजन वन में ही फॉल करता है, इसमें भी टोटल वैकेंसीज़ दिखाया गया है और साथ ही साथ कौन कौन सा ट्रेड है ये दिखाया गया है। उसके बाद है यहाँ पर कि नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट और स्लॉट जो है वो प्रोविजनल या टेंटेटिव है, ये वेरी कर सकता है जो कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो अप्रेंटिस ट्रेनी होंगे वो जहाँ पे सीट अवेलेबल होगा वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। यहाँ पे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कौन कौन से जिला है जहाँ पे जिला या फिर कौन कौन सा रीज़न है जहाँ पे आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए वो दिया गया है। यहाँ पे फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मंथली स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। तो ये जो है ITI इलेक्ट्रीसियन ट्रेड का नेम है, इसमें क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। यहाँ पे आपको मंथली स्टाइपेंड जो है वो 13,500 मिलेगा। आपको मंथली स्टाइपेंड जो है वो 15,000 का दिया जाएगा, मतलब पर मंथ 15,000। अगला है ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, इसमें BE, BTEC, BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे है मंथली स्टाइपेंड 17,500 का। फिर है ग्रेजुएट सिविल, इसमें भी BE, BTEC, BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ भी आपको 17,500 मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगला है ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ भी BE, BTEC, BSc होना चाहिए, मतलब BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। यहाँ भी आपको जो है मंथली स्टाइपेंड 17,500 का दिया जाएगा। फिर है HR एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे MBA HR या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट या फिर पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई अगर सब्जेक्ट से आप किए हुए हैं, पढ़ाई किए हुए हैं, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं HR एग्जीक्यूटिव के लिए। यहाँ पे भी 17,500 जो है वो आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। फिर है CSR एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क में या फिर रूरल डेवलपमेंट या फिर मैनेजमेंट में जो है आप पढ़ाई किए हुए हों, तो यहाँ भी मंथली स्टाइपेंड जो है वो 17,500 का ही है। फिर है लॉ एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री जो होना चाहिए वो किसी भी डिसिप्लिन में और साथ ही बैचलर डिग्री होना चाहिए LLB में, मतलब मिनिमम 3 ईयर जो है प्रोफेशनल कोर्स का या फिर 5 ईयर जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB डिग्री प्रोफेशनल ये होना चाहिए। तो यहाँ भी 17,500 आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। फिर है PR असिस्टेंट, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन या बैचलर ऑफ जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन ये डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे भी मंथली स्टाइपेंड जो है वो 17,500 का दिया जाएगा। इसमें से कुछ जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब 4500 या फिर 4000 के आसपास। अगला है कि राजभाषा असिस्टेंट, इसमें BA हिंदी विथ प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी कि हिंदी से BA आप किए हो और लेकिन आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, प्रोफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, तो आप राजभाषा असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पे भी 17,500 का मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद स्टार मार्क में ये लिखा हुआ है कि एडिशनल पेमेंट जो है वो 2500 का किया जाएगा अगर आपको रहने के लिए जगह नहीं दिया जाता है कंपनी के द्वारा।
अगर आपको रहने के लिए जगह दे दिया जाएगा तो फिर 2500 रुपया नहीं दिया जाएगा। फिर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक डेट दिया हुआ है, मतलब 2 साल का पीरियड, उसके अंदर जो है आपका, मतलब ये जो है ग्रेजुएशन का डिग्री या फिर कोई भी डिग्री जिसके तहत आप फॉर्म भरेंगे, वो आपको इस 2 साल के अंदर जो है कंप्लीट करना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है उसका भी एक लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें कि ये लिखा गया है कि अगर आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए आप वेट कर रहे हैं तो आप जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके बाद अगर आप 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, और अगर आप कहीं पे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा जॉब का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये आपका, मतलब ये लिस्ट है जिसमें ये लिखा गया है कि आप कौन कौन से आप काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और ऊपर वाले में ये बताया गया है कि विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 8 सितंबर 2024 है, तो उसके अंदर ही आपका जो है क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि कैंडिडेट जो है वो फुल टाइम रेगुलर डिग्री या फिर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन कर लिए हो रिस्पेक्टिव एरिया में, मतलब जिस स्टेट के तहत आप फॉर्म भरने वाले हैं उसमें। उसके बाद है कि क्लोजिंग डेट जो है इसका 8 सितंबर 2024, तो इसमें एक टाइम पीरियड दिया गया है कि 9 सितंबर 2022 से लेकर 8 सितंबर 2024 इसके बीच में आपका ये क्वालिफिकेशन जो भी है डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए होंगे तभी आपको ये फॉर्म भरने दिया जाएगा। मतलब अगर आप फॉर्म भर भी लेते हैं तो आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद है कि आपका परसेंटेज मार्क्स जो है वो क्लियरली फाइनल या फिर फाइनल मार्क्स जो है वो मार्कशीट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट होगा उस पर, मतलब अंकित होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि जो भी स्पेशलाइजेशन आप किए हुए हैं वो भी उस सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे लिखा होना चाहिए तभी आप ये इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फॉर्म भर भी लेते हैं तो बाद में आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए वो करवाना होगा, और साथ ही साथ जो भी आपका बैंक डिटेल जो है जिसमें कि आप आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो वो भी आपको देना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक सीडिंग स्टेटस जो है वो चेक करना होगा कि मतलब कौन से बैंक से आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, और ये प्रोसेस कुछ दिया हुआ है, मतलब उस लिंक पे आप क्लिक करके उस पे जुड़ सकते हैं। उसके बाद है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा आपको, तो सबसे पहले जो है अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट नंबर अंडर NATS NAPS और साथ ही साथ 100% कंप्लीटेड या अपडेटेड प्रोफाइल होना चाहिए। फिर है स्कैंड कॉपीज होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, और मार्कशीट का क्लियर होना चाहिए ये भी, और प्रूफ ऑफ एज जो कि आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आधार कार्ड या पासपोर्ट से ये आप दे सकते हैं। फिर है SC ST लेटेस्ट OBC NCL सर्टिफिकेट जो अगर आप एप्लीकेबल हैं इस सब में तो आपको ये भी देना होगा। अगला है कि बैंक कैंसल्ड चेक या फिर फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी होगा, तो ये आपको देना होगा, या तो आप कैंसल्ड चेक या फिर पासबुक का फर्स्ट पेज दे दीजिए। अगला है कि रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और साथ ही साथ सिग्नेचर, तो ये सब चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगा फॉर्म भरते टाइम, तो ये सब आप पहले से ही रखें अपने पास। इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा और जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होगा तो ये जो है आपका, मतलब एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि नेम डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेंट का जो है, मतलब मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ये सेम होना चाहिए जो कि आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है, मतलब 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे, आधार कार्ड पे और बैंक अकाउंट पे, इस तीनों पे जो है सेम ही आपका डेट ऑफ बर्थ नेम और ये डेट ऑफ बर्थ और नेम दोनों ही सेम होना चाहिए इन तीनों ही पे। उसके बाद है कुछ जनरल, मतलब ये नोटिस है जिसमें कि ये दिया गया है कि एप्लीकेंट जो है वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और साथ ही साथ 18 साल और उससे अबव के होने चाहिए। उसके बाद अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा विद इन एनी इंटीमेशन। उसके बाद है कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जाता है कि मतलब एक ही रीजन से या एक ही स्टेट से जो है आप फॉर्म को भरेंगे। अगला है कि अगर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं ऑर्डर में, तो आपका जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है, या तो आप इंगेजमेंट हो चुके हैं
तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद है कि कंप्लीशन या फिर अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, मतलब ये अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप पावर ग्रिड से जो है वो फुल टाइम जॉब के लिए मतलब कोई मांग नहीं कर सकते हैं, ये इसमें क्लियरली लिख दिया गया है। उसके बाद है कि आपको NAPS और NATS पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। सबसे पहले आपको इसी पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो इसके लिए आप NAPS पे जाएंगे जो कि apprenticeshipindia.gov.in है। मतलब ये अप्रेंटिसशिप के लिए ही ये पोर्टल बनाया गया है, यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और ये सारा जो है मतलब ये सब डिटेल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। तो इसके लिए आपको NAPS पोर्टल पे जो है आपको रजिस्टर्ड करवाने के लिए ऐसे कैंडिडेट रजिस्टर्ड करवाएंगे जो कि HR एग्जीक्यूटिव, CSR एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, लॉ एग्जीक्यूटिव, PR असिस्टेंट, राजभाषा असिस्टेंट या फिर लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट और ITI इलेक्ट्रीशियन। तो ये सब जो है NAPS पे रजिस्टर्ड करवाएंगे और NATS जो है वो NATS.education.gov.in इस पर जो है डिग्री या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ये कैंडिडेट जो है अपना NATS पर रजिस्टर्ड करवाएंगे और कंप्लीट करेंगे और अपडेट करेंगे अपने पूरे प्रोफाइल को। और ये आपको नंबर कुछ प्रोवाइड करता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपको फॉर्म भरते टाइम ज़रूरी होगा। उसके बाद अगर आप NAPS और NATS रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, तो कैंडिडेट जो है अप्लाई करेंगे आगे पावर ग्रिड के वेबसाइट पर, मतलब आगे का प्रोसेस इसमें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये रीज़न वाइज जो है कुछ स्टेट का नेम और उसमें कितना टोटल पोस्ट है वो दिया गया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कहाँ से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे कि नदर रीज़न 2, नदर रीज़न 3 ऐसे करके दिया गया है, फिर पटना में भी है, कोलकाता में भी है, शिलोंग में भी है और फिर इसमें भी कुछ अलग अलग स्टेट्स के भी नेम दिए गए हैं कि कौन से स्टेट कौन से रीज़न में फॉल कर रहा है। और साथ ही साथ वैकेंसीज़ कितना है ये भी दिया गया है यहाँ पे। इस वैकेंसीज़ में भी फिर अलग अलग ट्रेड के लिए भी अलग अलग दिया गया है, जैसे कि सबसे कम हमको लगता है कंप्यूटर साइंस के लिए ही है फॉर्म, मतलब उसके लिए उस ट्रेड के लिए जो है कम वैकेंसीज़ दिया गया है। फिर यहाँ पे सदर्न रीजन हैदराबाद है जिसमें कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना फॉल करता है, ये सब। इसमें टोटल वैकेंसीज़ अभी 1034 दिखा रहा है कि मतलब ये हो सकता है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन मतलब बढ़ेगा या घटेगा नहीं शायद। और अगर आप एलिजिबल हैं और मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो है का फुल नोटिफिकेशन स्टेट वाइज और साथ ही साथ लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।